नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिवस पर जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सिलवासा पुलिस हेडक्वार्टर पर मुक्ति दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित किए गए तिरंगा रैली रवाना किया गया, जिसमें लगभग 150 से अधिक पुलिस जवानों ने तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। जिला अधिकारी भानु प्रभा ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए डीएनएच न्यूज लाइन। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। फंक्शंस करे जा सकते हैं जिसमें हमारी दादर नगर हवेली की जनता भी हमारे साथ जुड़े, और जैसा कि एसपी सर ने बताया कि ये मैसेज पहुंचे हर नागरिक तक कि जो हमारा ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ये केवल औपचारिक और ऑफिशियल कामों में ही फहराया जाता है। साल के कुछ 3-4 दिन होते हैं जब हम सब लोग इनको फहराते हैं, मगर अब हमें इसको हर रोज और हर घर पर फहराना होगा। तो उन सब सूची जब बन रही थी तो एक आइडिया हमारी टीम से यह भी आया कि क्यों ना एक बाइक रैली करी जाए, जिससे हम हर गांव तक पहुंचे और वहां तक ये मैसेज लेकर जाएं कि अब ये झंडा केवल ऑफिसेज में नहीं, केवल ऑफिशियल कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि हर घर में फहराया जाएगा, हर नागरिक इसको फहराएगा, और पूरे सम्मान के साथ केवल 1 या 2 दिन तक हम ये औपचारिकता नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लंबे से लंबे समय तक, मतलब जैसा कि हम सबका आइडिया है कि सालों तक हमारे घरों के आगे झंडा रहे, मगर पूरे सम्मान के साथ करना।